नमस्कार बंधुगण, आपण मानंको ए व्यवसाय एवं आर्थिक शिक्षण अभियान ने स्वागत करुछि। मु टंका आ मो ना रूपा, मु हेउछि आपणको उन्नतिर माध्यम। मु आपणको कहिबे जे केमिति खर्च आयर हिसाब रखा जिबा आवश्यक। मु हेउछि राजू, मु बाउंसर व्यवसाय आरंभ करिछि। बहुत बढ़िया राजू, व्यक्ति को ता निजर उन्नति पई सबबले प्रचेष्टारत रहिबा आवश्यक। देख, व्यवसाय साथीरे सबुबेले खर्च आयर पक्का हिसाब रखिबा द्वारा ही तुम्हें सेथिरु हेउथिबा लाभ क्षति को बुझिपारिबो। नहले जणा पड़िबनि जे तुम्हें लाभरे अछो ना क्षतिरे। बिल्कुल ठीक कहिसेंती दीदी, किंतु पैसार हिसाब केमिति रखिबा दरकार? एबे देख, तेणिकी ताहा घरे हेउथिबा दैनन्दिन खर्च हेउ बा नहले निज कामधन्दार हेउथिबा खर्च हेउ, आयर हिसाब किताब रखिबा बहुत जरूरी। बिल्कुल ठीक दीदी, एबे मते आय एवं व्यय विषय रे भलो भाबरे कुहंतु। आयर माने हेला आमे जेउ जिनिस तयारी कले सेथिरु आमे केते रोजगार कले, आ व्यय माने हेला सेही जिनिस तयारी करिवारे आमरो केते खर्च हेला। अच्छा, जेमिति कि मु बाउंसर चौकी को 1000 टंका रे बिकिली त मोर 1000 टंका लाभ हेला? नाही राजू, एथिरे तुमरो खर्च भी तो अछि। 1000 टंका त तुम पाखरे आय, किंतु एही कामरे तुमरो रोजगार केते हेला एहा जानिबा पई प्रथमे तुमे एहार खर्च को जानिबा जरूरी। माने करो तुमे बाउंसर चेयर तयारी करी बजारे 1000 टंका रे बिक्री कलो। एहा को तयारी करबा पई तुमे 100 टंका रे बाउंस किनिलो। पूणी तुमे निचर कौशल द्वारा 4-5 दिन परिश्रम करी चेयर तयारी कलो। पूणी तुमे भलो भाबरे ताकु रंगरे रंगेइलो। एही सबु खर्च को मिसेई दियो, एमिति धरिनियो तुमर 600 टंका टोटल खर्च हेला। तेणु तुमर संचय हेला 400 टंका। एही 400 टंका तुमर संचय बा लाभ। एमिति मने रख जे तुमे 1000 टंका रे चेयर बिक्री कलो, किंतु एहा को तयारी करिवारे तुमर 1200 टंका लागिछि, तेबे तुमर 200 टंका रे क्षति हेला। अच्छा दीदी, आपण तो बहुत भलो सूचना देले। बिल्कुल राजू, केबे त तुमको कहिबी रोजगार को केमिति बढा जाई परिबो। अच्छा दीदी, मु बाउंस काम रे मोर लाभ बा रोजगार बढाई परिबी ना? हां बिल्कुल। अच्छा तो शीघ्र शीघ्र कहो ना दीदी, केमिति मु मोर आय बढाई परिबी? देखो, मु तुमको एबे खर्च एवं आय उभय विषय रे कहिली। एबे जदि तुमको तुमर आय बढाइबार अछि, तुमको तुमर खर्च भी कम करबा को हेबो। दैनन्दिन खर्च कम करबा मध्य गोटिए प्रकारर आय अटे। अच्छा दीदी, किंतु या होबो केमिति? देखो राज, सर्वप्रथमे तुमे तुमर खर्च को लेखिबा आरंभ कर। प्रति 15 दिन रे सेही खर्च को पूर्ण थरे देखिबार अभ्यास कर। एमिति कले कोन हेबो दीदी? एहा कले तुमको जणा पड़िबो जे केउ गुडीक दरकारी खर्च थिला, आउ के गुड़ी का अनावश्यक, माने एमिति खर्च जहाँ को तुम्हें जदि करिबि न थांतो तुम्हार किछ असुविधा भी हे न थांता। अच्छा दीदी, ए उभय प्रकार खर्च विषय तो मते किछ कहो। देखो, खाद्य वस्त्र बासगृह सहित शिक्षा स्वास्थ्य एवं निवेश, एहा हमर मौलिक आवश्यकता अटे। आमे निवेश को मध्य गोटे जरूरी खर्च बोली बुझिबा आवश्यक। आमर स्वास्थ्य बहुत मात्रा रे आमर चारिपटे थिबा स्वच्छता उपर भी निर्भर करिताय, तेणु ए सब उपर हेउथिबा खर्च आम पई जरूरी। किंतु एहा व्यतीत हेउथिबा खर्च भितरे अनेक अनावश्यक खर्च भी थाए। छकरे बसी बिड़ी टाणीबा, गुटखा खाइबा, घरे खाद्य तयार हेबा सत्वे बाहरे खाइबा, अनावश्यक भावे बाहरे बुलिबाकु जिबा, इत्यादि अनावश्यक खर्च जहां आम जीवन पई जरूरी नुहे, आउ सेथिरे काट करी आमे गोटिए सुदृढ़ भविष्यत भी निर्माण करि परिबा। दीदी आपण एकदम असल कथाटिए कहिले। देख, पैसा रोजगार करिबा सहित एहाकु भविष्यत पई संचय करिबा मध्य जरूरी, आउ एहा तेबे जाई संभव हेबो जेबे आमे आम खर्च को लेखिबा आरंभ करी अनावश्यक खर्च उपरे लगाम लगेबा। आमको आय एवं व्ययर हिसाब नियमित भावे रखिबा उचित, सेति पई तुमे गोटिए आर्थिक डायरी तयारी कर। ठीक अछि दीदी, किंतु मु आर्थिक डायरी केमिति तयारी करिवि? देखो राजू, निज डायरी रे खर्च को 3 भागरे बांटी दियो। एक रे लेख जरूरी, द्वितीय रे इच्छा, आउ तृतीय रे अनावश्यक। थरे ये जणा पड़ी गले ना तुमे निजर खर्च को नियंत्रण करि परिबो। सबुबेले ध्यान रख, आजिर संचय ही आसंता कालीर रोजगार। ठीक कहिला दीदी,
मु तो जाउची निजर हिसाब किताब लेखिबाकू आ से उपाय खोजिबाकू जहाद्वारा मोर आय बढ़े पारिबी। साबास।